हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी और तैयारी में कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। आप सेल्फ स्टडी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और उसी सेल्फ स्टडी को मैं थोड़ा सा चेक करने के लिए आपके क्वेश्चन करवाता रहता हूँ, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और साथ साथ मैं आपके लिए दो क्लास लेके आता हूँ, मतलब एक क्लास तो एक नॉर्मल क्रिप्को के नाम से होती है और एक क्लास रात को होती है 8 बजे, ठीक है। वो भी आपके लिए क्लास होती है और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो दोनों क्लास आपके लिए होती है। डेली क्लास अगर आपको अटेंड करनी है मेरे से तो रात को 8 बजे आइएगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ क्वेश्चन को डिटेल में करवाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। दोनों क्लास आपके लिए होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको बहुत से फ्री कंटेंट मिलेंगे। मैं आपको कूपन कोड दूंगा Y612 है, फ्री कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं ऐप से डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करने के बाद। डेली कोई होती है, सब्जेक्ट वाइज क्विज होती है, इनको आपको अटेंड करना है और अपनी रेटिंग देनी है कि हाँ ये आपकी क्विज आपके लिए कितनी फायदेमंद रही, ठीक है बच्चा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो बच्चे क्रिप्को की तैयारी कर रहे हैं, नया बैच 24 तारीख से आ रहा है, 24 मार्च से। अभी तक आपने एनरोल नहीं किया, Y612 या आप ही का कूपन कोड है Y612A, इसको लगा के आप एनरोल कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, लास्ट में हम लोग और बातें कर लेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शनल, सॉरी इसमें कौन सा ऑप्टिमल इंस्ट्रूमेंट है फॉर एन ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वेधशाला के लिए एक वैकल्पिक उपकरण है, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शनल इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा, जो कि हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं, ठीक है, लैब के अंदर, ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेटरी के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? डबल स्टेमेंशन स्क्रीन होती है, विंड वेन होता है, असम साइक्रोमीटर होता है या फिर का एनिमोमीटर होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज भी करवा देता हूँ, तो ये प्रश्न आपके थोड़े मेट्रोलॉजी के हैं, तो दो चार इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, फिर मैं आगे और प्रश्नों पर भी चर्चा करता रहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वेधशाला के लिए एक वैकल्पिक उपकरण है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि डबल स्टेमेंशन स्क्रीन जो होती है, ये ज्यादातर जितनी भी ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेटरी होती हैं उनके अंदर ऑप्शनल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। कौन सा? डबल स्टेमेंशन स्क्रीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब हमारे सामने है, इंडिकेटर प्लांट फॉर ट्रिस्टेजा डिजीज, ट्रिस्टेजा रोग के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो वो वाला प्रश्न थोड़ा नया था, या थोड़ा आपने जब आपकी बेसिक समझ हो जाती है, आपने लेबोरेटरी वगैरह को ऑब्जर्व किया होता है, तब वो प्रश्न आप आंसर दे पाते हो, लेकिन ये प्रश्न सरल है, ठीक है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। बताइएगा इंडिकेटर प्लांट फॉर द ट्रिस्टेजा, ट्रिस्टेजा के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है? सिट्रस पैराडाइज होता है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया होता है, सिट्रस लिमोनिका होता है और सिट्रस साइनेंसिस होता है। बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। बहुत कम बच्चे अभी आए हुए हैं, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, मैं भी इसको एक बार ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट लगता है शेयर करने में, बस आपको क्लिक करना है। एग्रीकल्चर अड्डा आपने सर्च कर रखा होगा, आप क्लास देख ही रहे हैं तो, ठीक है, बस मुझे सर्च करना पड़ता है। ओके, तो मैंने इसको ओपन किया और इसको लिंक कॉपी करके सिट्रस पे पुट कर दिया, ठीक है, बस इतना सा टाइम लगता है, एक मिनट इसको पुट कर देता हूँ। इतना काम आपको फटाक से कर लेना है। चलिए हाँ बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा फिट, उसके लिए बी यानी सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। तो ट्रिस्टेजा के लिए सभी होते हैं, सिट्रस होता ही होता है, मेनली कौन था? ऑरेंटिफोलिया। मैं रात को 8 वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रूट टाइप ऑफ लीची, लीची के फल का प्रकार क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। बेरी, सिंगल सीडेड नट, ठीक है, इटर ऑफ एकिन, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रूट टाइप ऑफ लीची, लीची के फल का प्रकार क्या होता है? ठीक है, बेरी होता है, सिंगल सीडेड नट होता है, इटर ऑफ एकिन्स होता है या नन ऑफ दीज होता है, ठीक है। अब इसका आंसर आपके मुखार बिंदु से मतलब तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि ये आप मैंने कई बार आपको बताया है कि लीची के फल का प्रकार क्या है, बेरी, सिंगल सीडेड नट है, इटर ऑफ एकिन है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? हाँ, बी हो जाएगा, यानी कि सिंगल सीडेड नट जो होता है वो आपका लीची होता है। अब देखो लीची से कितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे, जैसे कि लीची मेनली कैसा होता है? नॉन क्लाइमेट्रिक फल होता है। कैसा होता है? नॉन क्लाइमेट्रिक होता है और साथ ही साथ सब ट्रॉपिकल होता है, ठीक है। कौन सा है? सब ट्रॉपिकल है। तो नॉन क्लाइमेट्रिक भी यही होता है और सब ट्रॉपिकल भी यही फल होता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर बात करेंगे तो लीची आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, तो आपसे पूछेगा इसे और क्या बोलते हैं, तो इसे क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट बोलते देते हैं। और अगर आप जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट लिख के नहीं भी आता है, ठीक, तो क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट नहीं भी लिख के आ रहा, तब भी कोई बात नहीं, आप इसे लगा सकते हैं कि सिंपल तरीके से कि इसे हम लोग क्वीन ऑफ फ्रूट बोल देते हैं, ठीक। अगर एग्जाम में मान लीजिए सब ट्रॉपिकल फ्रूट नहीं है, क्वीन ऑफ फ्रूट लिखा हुआ है और मैंगोस्टीन ऑप्शन में नहीं है, तो आप सिंपली जो है लगा सकते हैं इसका आंसर कि एक क्वीन ऑफ फ्रूट है। तो क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट की अगर बात करेंगे तो वो भी हमारा क्या है? लीची है,
ठीक। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि लीची जो है इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, तो लीची का ओरिजिन प्लेस चाइना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो इसके अंदर 30 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चा, 30 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही साथ आपसे दो तीन प्रश्न और बन सकते हैं, जैसे कि लीची में मुख्यतः जो प्रवर्धन करते हैं, जो हम लोग कह सकते हैं प्रोपोगेशन करते हैं, वो किससे करते हैं, तो लीची में हम लोग जो प्रोपोगेशन करते हैं वो एयर लेयरिंग से करते हैं। एयर लेयरिंग को इंडिया में क्या बोलते हैं, इंडिया में इसे हम लोग गुटी बोल देते हैं, और चाइना में इसी को हम लोग मार्कोटेज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मार्कोटेज बोल देते हैं चाइना में। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, आपको इतने प्रश्न कम से कम पता होने चाहिए लीची के बारे में। बाकी प्रजातियों की बात करेंगे तो स्वर्ण रूपा है, ठीक है, बहुत फेमस वैरायटी है, बेवेस्टर है, स्वर्ण रूपा है, शाही है, शाही बिहार के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, तो ये सब प्रजाति बड़ी फेमस होती है, ठीक है, तो स्वर्ण रूपा भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है लोकाट का प्रोपोगेशन किससे किया जाता है, सीड पैच बडिंग से, ठीक है, सकर्फ से, टी बडिंग से। लोकाट का प्रोपोगेशन किससे करते हैं, फटाफट से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। हाँ बताइए भाई, लोकाट का मुख्यतः प्रोपोगेशन किससे करते हैं, आंसर दीजिए। ओके, सीड से करते हैं, पैच बडिंग से करते हैं, सकर से करते हैं, या टी बडिंग से करते हैं, बताइए। ओके, तो अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैंने आपको अपडेट भी किया था, एक बार बताया भी था कि मेनली लोकाट का जो प्रोपगेशन है वो सीड से करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, गुड आफ्टरनून शुभम मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी एक इंप्रूव्ड वैरायटी है, किसकी है, कावेरी एक इंप्रूव्ड वैरायटी है, वो किसकी वैरायटी है, ठीक है, एवोकाडो के है, पैशन फ्रूट की है, चाय की है, या कोकोनट की है, ठीक है। हाँ हाँ लोकाट के फल का प्रकार पोम होता है, बिल्कुल सही बात है, बताइए कावेरी जो है किसकी वैरायटी है, कावेरी एवोकाडो की है, पैशन फ्रूट की है, टी की है, और नारियल की है। मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया है बेल की वैरायटी ट्रिक, ठीक है, वो कोई ट्रिक नहीं बल्कि एक आपको ऑब्जर्वेशन है, 3 मिनट का वीडियो है, 3 से 4 मिनट का। जैसे ही आप इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है, आपको वीडियोज में, जैसे आप लाइव में देख रहे हैं, वीडियोज में आपको पहला वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा और कमेंट में आपको बता दीजिएगा कि हाँ आपको वैरायटी याद होगी, नहीं 3 मिनट के अंदर लगभग 7-8 वैरायटी आपको याद हो जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगी, ठीक है, बेल की वैरायटी मैंने याद करवाई है, ठीक है, आपको प्राप्त मिल जाएगा। ओके, गुड आफ्टरनून बड़ा, तो इसका आंसर बड़ा इसके अंदर हो जाएगा बी, यानी कि पैशन फ्रूट, कावेरी एक पैशन फ्रूट की वैरायटी है। अच्छा, इसके अलावा ना कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, आपसे पूछता है कि देखिए जो हमारा चाय होती है, चाय से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, जैसे चाय पहले तो बनेगा चाय कितने प्रकार की होती है, तो चाय 3 प्रकार की होती है, ठीक है, एक होती है ब्लैक टी, एक होती है ओलोंग टी, और एक होती है ग्रीन टी। ब्लैक टी, ओलोंग टी और ग्रीन टी, ये 3 प्रकार की चाय होती है, ठीक है, यहां से क्या बन सकता है, ठीक है। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को, आवाज आ रही है, थोड़ा वाई टाइप कर दो, आवाज आ रही है, ठीक है। एग्जाम नेक्स्ट मंथ के बाद आसपास होने के चांस है। ओके, तो ब्लैक टी की अगर बात करेंगे, फुल्ली फर्मेंटेड होती है, कैसी होती है, फुल्ली फर्मेंटेड होती है, ठीक। ओलोंग टी जो होती है कैसी होती है, पार्शियली फर्मेंटेड होती है, और ग्रीन टी जो होती है ये नॉन फर्मेंटेड होती है, कौन सी होता है, नॉन फर्मेंटेड होती है। आपसे पूछ सकता है कि जो चाय होती है इसके अंदर भी 30 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये भी ट्रॉपिकल रीजन का फल होता है, फल तो मतलब क्या पत्तियां होती हैं, ठीक है, और ये मेनली स्लोपी लैंड में ग्रो होता है, क्योंकि इस पर पानी भर जाएगा तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, ठीक। थियोफ्लेमिनस ऑर्बिगिन्स इसके अंदर पाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कलर को देता है, रेड कलर जो चाय का आता है वो थियोफ्लेमिनस से आता है, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है कि चाय के अंदर कौन सा कंपाउंड होता है, थीन कंपाउंड जो है चाय के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और इसे हम लोग क्वीन ऑफ विवरेज बोल देते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये भी याद रखेंगे क्वीन ऑफ विवरेज किसे बोलते हैं, चाय को बोलते हैं, और किंग ऑफ विवरेज किसे बोलते हैं, कॉफ़ी को बोल देते हैं, कॉफ़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग किंग ऑफ विवरेज बोल देते हैं। नारियल की बात कर लेते हैं, नारियल जो है ये भी ट्रॉपिकल रीजन का फल है, ठीक है, ये फल है बेटा कहाँ का, ट्रॉपिकल रीजन का। इसका जो एंडोस्पर्म है वो एडिबल पोर्शन होता है, ठीक है, यानी भ्रूण का जो पोष है वो हम लोग खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं, और इसका जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है वो क्या होता है, आपका ड्रुप होता है, तो ड्रुप क्या होता है, इसका टाइप ऑफ फ्रूट होता है, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे,
इसके बाद नारियल से याद रखिएगा कि नारियल को हम लोग कल्प वृक्ष बोल देते हैं, मंकी फेस बोल देते हैं। कल्प वृक्ष क्यों बोल देते हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि नारियल का हर एक पार्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नारियल का हर एक पार्ट जो है वो प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम लोग उसे कल्प वृक्ष बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गैम्बोज डिसऑर्डर इज अ फ्रूट ऑफ कॉमन, बताइए गैम्बोज फलों का विकार मुख्यतः किसके अंदर होता है। तो गैम्बोज डिसऑर्डर किस में होता है, ये भी आपने हमने आपको एक बार अपडेट किया था, मैंगो के अंदर, मैंगोस्टीन के अंदर, ग्रेप के अंदर, एप्रिकॉट के अंदर, किसके अंदर जो है गैम्बोज डिसऑर्डर देखा जाता है, ठीक है। आम में, मैंगोस्टीन में, अंगूर में, बताइए। हाँ हाँ चाय का पीला रंग किससे कारण होता है, पीला रंग चाय में कौन सा होता है, ठीक है। हाँ बताइए, गैम्बोज डिसऑर्डर फ्रूट इज कॉमन, बताइए मैंगो, मैंगोस्टीन, ग्रेप, एप्रिकॉट, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी यानी कि मैंगोस्टीन, ठीक है। मैंगोस्टीन जो होती है इसके गैम्बोज डिसऑर्डर उसी का देखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सेंट जोस स्केल गॉट एंट्री इन इंडिया टू फ्रॉम, ठीक है। सेंट जोस स्केल किसका है पहले ये जान लो, सेंट जोस स्केल किसका है, ये हमारे एप्पल का सीरियस होता है, एप्पल के लिए काफ़ी सीरियस होता है। और ये इंडिया में एंट्री किसके द्वारा, कहाँ से प्राप्त किया, तो इंग्लैंड से, फ्रांस से, श्रीलंका से, या फिर यूएसए से प्राप्त किया, बताइए, ठीक है। क्या इसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं गई थी, क्या इस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक नहीं गई थी क्या यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि बच्चे कम आए हैं जनरली इस क्लास को 50 बच्चों के आसपास देखते हैं, मुझे लगता है आज यूट्यूब की नोटिफिकेशन बच्चों तक पहुंची नहीं है, किसी बच्चे को नोटिफिकेशन गई थी क्या इसकी, मुझे लगता है आज जो है नोटिफिकेशन पहुंची नहीं बच्चों तक, शायद। ओके हाँ चलिए, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंग्लैंड, एक मिनट, फ्रांस लिखा हुआ है, इंग्लैंड से आया था। विच स्टेट हैज जी आई टेक, अच्छा ये इसका आंसर पहले मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, दोनों क्वेश्चन फिर रात वाली क्लास में करवाएं, पर रिपीटेड है क्वेश्चन, हाँ ये वाला भी करवा चुका हूँ, तीन क्वेश्चन रिपीटेड है, रुक जाओ मैं डायरेक्ट नया क्वेश्चन लेके आता हूँ, ये भी है, एक मिनट रुकना, हाँ इसको बता दीजिए, खेती मैगजीन पब्लिश कहाँ से होती है, बताइए, अच्छा आया है आपको, ठीक है, पी ए यू से होती है, एन डी आर आई से होती है, ठीक है, आई सी आर से होती है, या फिर इक्रीसेट से होती है, ठीक है, बताइए खेती मैगजीन जो होती है वो कहाँ से होती है। अच्छा जो क्वेश्चन मैंने आपको आगे बढ़ा दिए, मैंने रात को 8 वाली क्लास में मैं करवा चुका हूँ, तो जो बच्चे मतलब नहीं अटेंड किए उनको अटेंड करना, रात को 8 वाली भी आप ही के लिए क्लास होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो इफ्क्रिफ्को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वो क्लास डिटेल में होती है, उसको जरूर अटेंड किया करो, ठीक है, रात को 8 बजे आगाज के नाम से होती है, ठीक है, 97 नंबर की क्लास होगी आज, तो इसके अंदर क्या रहेगा, आई सी आर इसका आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, क्या रहेगा, आई सी आर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉरफॉक सिस्टम रिलेटेड टू, नॉरफॉक सिस्टम संबंधित है किससे, वीड कंट्रोल से है, क्रॉप रोटेशन से है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से है, या प्रिसीजन फार्मिंग से है, तो ये नया प्रश्न है, बताइए फटाक से। नॉरफॉक देखो ऐसे थोड़े आप ये ऐसे प्रश्न कृषको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नॉरफॉक सिस्टम किससे है, ठीक है, तो ऐसे थोड़े नए नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको कमांड रखनी है, ठीक है। बाकी मैं एग्रोनॉमी के भी कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कृषको सेशन लगा लूँगा, जिसमें मैं एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, इनके क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे करवाऊंगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद मिलेंगे, डोंट वरी। तो वीड कंट्रोल, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, क्या आंसर हो जाएगा, खरपतवार नियंत्रण क्या हो जाएगा। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका बी मेरे हिसाब से, हाँ क्रॉप रोटेशन के लिए नॉरफॉक सिस्टम काफी सुटेबल होता है, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी इज, सर्वाधित स्ट्रॉबेरी यानी जो स्ट्रॉबेरी हम लगाते हैं वो कैसी होती है, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, ऑक्टाप्लॉयड, ठीक है, ये नया प्रश्न है और माइनर फ्रूट्स की कैटेगरी का प्रश्न है, बताइएगा कल्टीवेटेड जो स्ट्रॉबेरी होती है ये मुख्यतः कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, ट्रिप्लॉयड होती है, टेट्राप्लॉयड होती है, या ऑक्टाप्लॉयड होती है, ठीक है, फटाक से बताइए कैसी होती है कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब देखो मैंने बताया मल्च क्रॉप कौन सी है, आप कैसे कैसे ऐसे मल्च क्रॉप कौन सी होती है, तो स्ट्रॉबेरी क्या होती है, मल्च क्रॉप होती है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मेनली कहाँ होती है, तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड रीजन में काफ़ी ज़्यादा होती है, बाकी टेम्परेट रीजन का फ्रूट है तो हिमाचल, इधर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड साइड में ज़्यादा मात्रा में ग्रो की जाती है। और तो इसका अंदर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ऑक्टाप्लॉयड होती है, जो कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी कैसी होती है बेटा, ऑक्टाप्लॉयड होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेल स्ट्राइल कल्टीवर पीच आणु का नर बाध्य प्रजाति कौन सी होती है, फ्लोरा रेड होती है, सरबती होती है, जेएचएल होती है, पाजा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं जल्दी देता हूँ क्योंकि आपको फायदा नहीं पता होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि
जयछल, तो जयछल जो होती है ये प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, पीच की मेरिस्टाइल होती है। पर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि आपका पाजा फ्लोरिडा रेड ये किसकी प्रजाति है, सरबती किसकी प्रजाति है, सरबती इसकी भी है और उसके जो है वॉलेट की भी है, ठीक है। तो पीच की वरायटी कौन सी है, आपकी फ्लोरिडा रेड भी है और पाजा भी है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी थोड़ा घूम के बन सकते हैं, तो आपको कमांड तो ठीक ठाक होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, पॉपुलर यूज एज अ मेल इन कॉफी ब्रीडिंग, ठीक है। ये बताइए कॉफी की प्रजनन में नर के रूप में प्रयुक्त लोकप्रिय क्लोन कौन सा है, ठीक है, कावेरी, ठीक है, सिंगारा, इसके अलावा ताफरिकला या एथ्रे, ठीक है। तो कॉफी की आपने ये चीजें काफी सुनी होगी, अल्टीमेट तरीके से सुनी होगी, अगर आपने कभी भी कॉफी पढ़ा है, पढ़ा नहीं है कॉफी तो कोई बात नहीं, ठीक है, आगाज 3.0 आप ही के लिए है, अगर आपको कॉफी वगैरह आप इन सब पर कमांड अगर अच्छी करनी है, तो कावेरी, सिंगारा, इसके अलावा ताफरिकला या फिर एथ्रे, कौन सी वैरायटी ऐसी होती है, कौन सी टाइप ऐसा होता है कावेरी का पॉपुलर का जो कि क्लोन मेल इन कॉफी ब्रीडिंग में कौन किसका क्लोन यूज होता है, ठीक है। तो आपने आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। तफरीकेला का आंसर बिल्कुल सही है कि ये आपका सही माना जाएगा कॉफी के लिए, ठीक। बाकी कॉफी दो प्रकार की आपने सुनी होगी, रोबस्टा कॉफी सुनी होगी, अरेबिका कॉफी सुनी होगी, ठीक है। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कॉफी के अंदर कौन सा कंपाउंड होता है जो उत्तेजना देता है, ठीक है। तो कैफीन जो होता है वो कॉफी के अंदर होता है, कौन सा होता है, कैफीन एक अल्कलॉइड होता है, ये क्या होता है, एक आपके अल्कलॉइड होते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड बाय, ओजोन लेयर को मुख्यतः डिस्कवर किसने किया था, चार्ल्स फेबरी ने किया था, हेनरी वेशन ने किया था, जीएम डॉब्सन ने किया था या ए एन बी बोथ, बढ़िया प्रश्न है। अब देखो ओजोन लेयर के बारे में आपको कई बार बताया भी है, रात वाली क्लास में भी डिस्कस किया था ओजोन लेयर के बारे में कि ओजोन लेयर जो होती है इसको जो जितनी भी क्लोरोफार्म वाली गैस होती है, क्लोरीन वाली गैस होती है, वो बहुत नुकसान पहुंचाती है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, हाइपोक्लोराइड हो गया, ये ऐसी गैस जो है ये बहुत ज्यादा नुकसान करती है ओजोन के लिए। मतलब मैंने आपको एक डाटा भी दिया था कि लगभग एक मॉलिक्यूल जो क्लोरीन का होता है वो 1,00,000 मॉलिक्यूल जो ओजोन के होते हैं उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस में सीएफसी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन को, ओके। ये मेनली स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर की जो दूरी होती है, 20 से 30 किलोमीटर की जो दूरी होती है वहां पर ओजोन लेयर अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। तो ये सब प्रश्न मैंने डिस्कस किए रात को 8 वाली क्लास में, तो आपको अटेंड करना ही करना है। तो यहाँ पर ओजोन लेयर डिस्कवर किसने की थी बेटा, तो आपके डी यानी कि हेनरी वेशन और जीएम डॉब्सन ने, दोनों ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। डी ऑप्शन सबका सही भी, जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है, ठीक है, कि हेनरी जीएम डॉब्सन और हेनरी वेशन ने, दोनों ने उसको डेवलप किया था, ठीक है, डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन, डेवलप नहीं डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन, रिस्पांस फार्मिंग डेवलप्ड बाय, रिस्पांस फार्मिंग किसके द्वारा विकसित की गई, स्टीवर्ट द्वारा, हार्वर्ड द्वारा, फुकोगवा द्वारा या वॉटसन द्वारा, ये भी बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, नॉर्मल प्रश्न है, ये एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। रिस्पांस फार्मिंग आप जानते ही हो कि हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा मौसम होने वाला है, उसके हिसाब से कल्टीवेशन करते हैं। तो रिस्पांस फार्मिंग जो होता है ये स्टीवर्ट ने, हार्वर्ड ने, फुकोगवा ने या वॉटसन ने, किसने इस वर्ड को डेवलप किया था या किसने इस टाइप के फार्मिंग को नोटिसेबल करवाया था, ठीक है। तो आंसर आपका क्या रहेगा फटाक से कमेंट के अंदर दीजिए कि स्टीवर्ट, हार्वर्ड, फुकोगवा या वॉटसन ने दिया था, ठीक है। बाकी मैं रिस्पांस फार्मिंग के ऊपर रात को 8 बजे एक नया लेक्चर लेके जरूर आऊंगा, ठीक है, बताइए फटाक से, ओके। तो इसका आंसर क्या रहेगा फटाक से बताइए, स्टीवर्ट ने, हार्वर्ड ने, फुकोगवा ने, वॉटसन ने, ओके। तो इसका आंसर रहेगा बड़ा ए, यानी कि स्टीवर्ट ने रिस्पांस फार्मिंग दिया था, ठीक है। एक और थे हॉलीडे, उन्होंने रिस्पांस कर्व दिया था, तो रिस्पांस कर्व अगर पूछेगा तो हॉलीडे आ जाएगा और रिस्पांस फार्मिंग अगर पूछेगा तो स्टीवर्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वेदर अकाउंट फॉर द वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, फसलों की उत्पादकता में भिन्नता का कारण मौसम कितना परसेंट है। भाई जो वेरिएशन आ रहा है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर उसमें इन्वायरमेंट का या कह सकते हो मौसम का कितना रोल है, 33% है, 50% है, 25% है, 67% है, 33, 50, 25, 67, बताइए। वेदर अकाउंट फॉर द वेरिएशन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, ठीक है, 33, 50, 27 या 25 या 67। तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या देखते हैं कि मौसम का ही रोल होता है, ठीक है, आपको इसका आंसर क्लियर कट तरीके से 67% तक वेरिएशन में मौसम का ही रोल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन अनार, पोमग्रेनेट में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। बेटा 17 वचन देख रहे हो, फटाक से लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दिया करो, ठीक है। प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नए, कुछ खट्टे, कुछ मीठे प्रश्न होते हैं, यानी कि थोड़े कठिन या सरल प्रश्न होते हैं, तो इनको लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दिया करो, ठीक है, फटाक से। और बाकी रात को 8 बजे तो आप लोग आ ही रहे हो, तो वहां पर अपना प्यार बनाए रखो। तो टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस अनार में कौन सा होता है, कैटेकिन, पेनिकल, हाइपेंथोडियम या बलोस्टा होता है, बताइए। अनार में पुष्पक्रम कौन सा होता है, बताइए फटाक से बताइए, कैटेकिन, पेनिकल, हाइपेंथोडियम, बलोस्टा, बताइए फटाक से क्या आंसर जाएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या रहेगा बड़ा, वेरी गुड, सी यानी कि हाइपेंथोडियम।
अब देखो सब बच्चे डी आंसर, मैंने ये क्वेश्चन एक बार रिपीट भी करवाया है फिर भी तुम लोग डी आंसर दे रहे हो। या अब इतने नालायक, इतना पता, इतने रटने पर हो चुके हो कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आंसर दे देना है। ये मैंने रिपीट करवाया है, एक बार मैं करवा चुका हूँ, फिर तब भी तुम लोग गलत दिए थे, ठीक है। इतना काहे इस तभी गलत करके आते हो, हम तो सही करके आए, बाद में गलत हो जाएगा। लिखा है पुष्पक्रम, आप दे रहे हो टाइप ऑफ फ्रूट का आंसर, मतलब बलोस्टा दिखा नहीं खट से लगा दोगे, ठीक है। इतने नालायक हो चुके हो, क्या बताएं, ठीक है। लल्ला इन पुष्पक्रम पूछ रहा है, बलुष्टा का पुष्पक्रम होता है वो तो फल का प्रकार होता है, तो अगर पूछता है अनार के फल का प्रकार क्या होता है, आप बताते कि हाँ भैया बलुष्टा होता है, पूछ रहा है पुष्पक्रम बता रहे हो फल का प्रकार, कितनी नालायकी है। देखो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते ध्यान से, अंदर धुंध अंदर लगा देते हो, ठीक है, क्या जाएगा, हाइपेंथोडियम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री अ हॉट ड्राई विंड इज कॉल्ड, बताइए खमसिन, खमसिन कहाँ, खमसिन खमसिन लिखा है, खम बताइए, खमसिन बताइए किस देश में गर्म शुष्क हवा को खमसिन बोल देते हैं, ब्राजील, मिस्र, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, खमसिन किसे बोल देते हैं। थोड़ा सा मेथोडोलॉजी पर भी ध्यान रखिएगा बच्चा, नहीं तो फिर चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो आपको रखना ही अच्छे तरीके से ध्यान। बताइए इन विच कंट्री आल हॉट ड्राई विंड इज कॉल्ड खमसिन, किस देश में गर्म शुष्क हवा को खमसिन कहा जाता है, ठीक है। तो आपके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, आंसर क्या रहेगा, बी यानी कि इजिप्ट, इजिप्ट की जो हॉट ड्राई विंड होती है उन्हें खमसिन क्या कहा जाता है, ठीक है। हाँ ये ड्राई विंड्स को बोलते हैं, जैसे हमारे लू बोलते हैं ऐसे ही। ओजोन लेयर प्रेजेंट, अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर, बताइए फटाक से, ओजोन लेयर मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, बताइए ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, कहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, बताइए, शोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, हाँ बताइए, ओजोन लेयर मुख्यतः कहाँ पे जाती है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है, दोनों हिंदी इंग्लिश एक ही लिखी हुई है, ओके। तो स्ट्रेटोस्फेयर सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर इसका सही प्रतिउत्तर आपके सामने आ जाएगा, ओके, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो, बोटेनिकली कीवी फ्रूट क्या होता है, वनस्पतिक रूप से कीवी फल क्या होता है, ठीक है, ड्रुप होता है, पोम होता है, बेरी होता है, नट होता है, ड्रुप, पोम, बेरी या फिर अखरोट, नट को अखरोट बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नट नट होता है, अखरोट का टाइप ऑफ फ्रूट नट होता है, ठीक है, बताइए। तो बोटेनिकली कीवी फ्रूट क्या होता है, ड्रुप, पोम, बेरी, नट। अच्छा कीवी फ्रूट से एक क्वेश्चन और आ चुका है कि इसमें ट्रिपल सिग्मॉइड कर्व पाया जाता है, क्या ट्रिपल सिग्मॉइड कर्व भी कीवी फ्रूट के अंदर पाया जाता है, ओके। तो बोटेनिकली कीवी फ्रूट क्या होता है बच्चा, याद रखिएगा कि ये हमारा क्या होता है, सी यानी कि बेरी होता है। हाँ रमन चौधरी गुड आफ्टरनून, आप बहुत लेट हो गए, क्या होता है, बेरी होता है बोटेनिकली कीवी फ्रूट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ओके खत्म हो गया, वेरी गुड, चलिए। तो ये आपके बेहतरीन प्रश्न रहे हैं, ठीक है, अगर आप डिटेल में तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच है। देखो बैच में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सिस्टमेटिक तैयारी कराई जाएगी, हर एक फैकल्टी आपको अपने अपने सब्जेक्ट को डिफाइन करके आप पढ़ाएंगे। 24 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मैं आपके मैंने यहाँ पर कूपन कोड भी लिख ही दिया है आपके लिए, ठीक है, ये आपका कूपन कोड है Y612A, इसको लगा के आप सिंपली इनरोल कर सकते हो और आप हर एक फैकल्टी से अलग अलग तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। 24 तारीख से बैच होगा, मेरी क्लासेस में 24 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, और फिर आपसे वहीं पर मुलाकात चलती रहेगी, ठीक है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। बाकी अगर आप फ्री क्लासेस को भी देखना चाहते हैं या फ्री नोट्स में एक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है, आपको फ्री क्विजेस लगानी है, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आकाशवाश भी लिखा होगा ऐप करके, वहाँ पर जाइएगा, उसको ओके करिएगा और वहाँ पर बहुत से मैं आपको कोड दे दूँगा बाद में, Y612 ये कोड भी है, इसको एक्सेस करके आप बहुत से कोर्स को भी मतलब नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, धीरे धीरे उसमें अपडेट हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी तरीके से, ओके। तो ये आपका Y612 कूपन कोड है, आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए, क्रिफ्को की टेस्ट सीरीज के लिए आपको अप्लाई करना है Y612S, आपको टेस्ट सीरीज भी एक्सेस मिल जाएगा। कैसे बाय करना है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, सिंपली आपको ऐप ओपन करना है, ठीक है, ऐप ओपन करने के बाद ये स्टडी प्लान तो उस दूसरे सब्जेक्ट का हो गया, यहाँ पर सर्च करना है Adda 24/7, आपने सर्च किया, यहाँ पर जैसे जाओगे ऑल कोर्स में जाओगे, ऑल कोर्स में आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है, आपने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया, UP, SSC, AGT, IPS, AFO, क्रिफ्को सभी बैच दिख रहे हैं आपको, क्रिफ्को वाला ये बैच है, ये पुराना बैच है, ये नया बैच है, 24 तारीख से बैच स्टार्ट होगा 24 से, ठीक है, ये इसका स्टडी प्लान अभी इसमें आया नहीं, जल्दी आ जाएगा, ठीक है, 24 से, और इसको वाइनो पे क्लिक करना है आपको, जैसे ही वाइनो पे क्लिक करोगे, हाँ 8 जल्दी आ जाएंगे, बिल्कुल बेटा 8 बजे टाइम से आ जाना, ठीक है, क्लिक करना है Y612A, क्लिक किया आपने 1599 का पूरा बैच मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से करिएगा। हाँ नाबार्ड के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी, नाबार्ड की प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो में शेयर करूंगा, अभी बैच नाबार्ड के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है,
चार बजे मेरी नवाड़ में क्लास होती है, ठीक। तो 8 बजे आपसे मुलाकात होगी, जितने बच्चे हो 8 बजे सेशन को अभी लाइक कर देना। आगाज 97 नंबर की लगभग क्लास होगी, वो 100 क्लास उसमें होने वाली है, और बेहतरीन तरीके से 8 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे, बेहतरीन तरीके से हमसे मिलेगा, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको लगता है कि फर्जी ये चीज़ मुझे फ्री में मिल जाए, आप मुझे अच्छे से करवा दीजिए, तो उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि आप मुझे ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, मैं सब कुछ बेस्ट में करवा दूंगा। और वो क्रिफ्को के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो उस क्रिफ्को वाली क्लास को जरूर अटेंड करें रात को 8 बजे, आगाज 3.0 आप सबकी यही क्लास होती है, ठीक है। ऐसे अपना ख्याल रखेंगे, लव यू ऑल, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद। कोर्स के लिए मैंने बता दिया है, और ऐप डिस्क्रिप्शन से कर लेना, और अपनी सब्जेक्ट वाइज क्विज को अटेंड करना, और साथ ही साथ अपनी रेटिंग को जरूर देना जो भी क्विज आपको करवाई जा रही है। लव यू बच्चों।